फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज राहुल फ्रॉस्ट एंड यू आर वाचिंग दिल्ली फ्रॉस्ट राहुल। सो गाइस, आज मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग कर रहा हूँ और मैं अभी हूँ KTM शोरूम वसंत विहार में। तो मेरे पीछे है कुछ KTMs की बाइक्स। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने सोचा कि इनकी प्राइस रिवील करना चाहिए, जो कि जितने भी हैं हमारे मॉडल्स KTM में, मैं उन सब की बाइक की प्राइस रिवील करने वाला हूँ। आपको आगे दिखाता हूँ कौन सी बाइक्स हैं हमारे पास अभी शोरूम में। इस टाइम पे 22 में क्या प्राइस चल रहा है और क्या स्पेसिफिकेशन आ रहे हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले मेरे पीछे में बाइक है KTM 200 है, जैसे कि मेरे साथ है। तो भाई कुछ बताएंगे इसके बारे में कि क्या स्पेसिफिकेशन है फर्स्टली। तो भाई प्लीज। हाय, मेरा नाम सौरभ है। हमारा शोरूम KTM साउथ दिल्ली वसंत विहार में। तो जैसे कि सर ने बताया कि हम बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये RC 200 है जो नए ग्राफिक्स के साथ आई है, जो लास्ट ईयर भी लॉन्च हुई है, बट इसका हमने नाम रखा है RC 200 22 मॉडल। ये डुअल चैनल एबीएस के साथ आते हैं 25 PS पावर के साथ। उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, कुछ चेंजेस है, जैसे इसके टायर इसमें पहले वाले मॉडल से और नए वाले मॉडल में जो है चेंजेस। पुराना मॉडल जो था वो 9.5 की टायर कैपेसिटी थी, इसमें 13.7 है जो बढ़ा दिया गया है। दूसरा कलर भी काफी चेंज है उसका, टैंक में भी यहाँ पे डुअल आ गया। पहले तो खाली ऑरेंज ही रहता था सिर्फ, बट अब गोल्ड रंग के साथ आ गई है। कलर वेरिएशन काफी चेंज हुआ है। प्लस आपका जो है इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस के साथ सुपर मोटो मिलता है, जो आप रियर एबीएस ऑफ कर सकते हैं। इसका नीचे का एबीएस आप ऑफ करके चला सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, एबीएस ऑन ऑफ बहुत मुश्किल से कोई बाइक में मिलती है और KTM में मोस्टली मिलने लगी है। नॉर्मली जो आती थी पावर सारा कुछ 6-7 सेम रहेगा। हाँ, वेट में इसे 3 kg पहले से कम किया गया, वेट इसका कम हो गया है। शेप इसका और अच्छा कर दिया गया है, थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। जो नॉर्मली आपको जो सेम ड्यूक 390 में, एडवेंचर 390 में मिलती है, बट उसमें कलर है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा, LED हेडलैम्प के साथ आ जाती है। ठीक है, हाँ, सीट की बात करें, सीट पहले से और अच्छी सॉफ्ट कर दी है, कुछ नहीं अच्छी कर दी है, काफी से पहले बहुत बेटर हो गई है, क्योंकि फील कर रहा है काफी सॉफ्ट है। तो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। ये हमारी 200 थी KTM RC। सो नेक्स्ट हमारी है 125 Duke। And for too long, I kept myself hidden away. Well, today, today, I can live up to his name. So, white color is, or ye, orange and orange. So, hamare paas do color hai filhal abhi, white and orange. Okay. ये जो पुराने मॉडल है और अब वाले मॉडल में कोई चेंजेस नहीं है, सारा कुछ सेम रहेगा। सिंगल चैनल एबीएस के साथ आती है, 14.5 PS की पावर। ठीक है, नॉर्मली डे टाइम रनिंग लाइट के साथ है, नॉर्मल बर्ब। और हाँ, वही है स्पेसिफिकेशन, 6 गियर ट्रांसमिशन, लिक्विड कूलिंग है, A2 grade सेफ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। तो इसमें चेंजेस तो कुछ नहीं है। और इसमें अभी प्राइस क्या चल रहा है इसका? सर, ये प्राइस अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। जो अभी दिल्ली में करेंट ऑन रोड जो प्राइस है 1,94,800 rupees इंक्लूडिंग मेडिकल इंश्योरेंस, यही है जो लास्ट ईयर भी था और अब भी है। तो एक चीज और है, जैसे कि सर ने अभी बाइक पहले बाइक दिखाई थी RC 200, इसमें एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा, जो चीज इसमें बताया हमने, इसका जो प्राइस है RC 200 का, ये सेम एज इट इज पुराने वाले रेट पे है। जो पुराने वाले मॉडल जो आती थी 21 में, वही रेट इसमें रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। सेम प्राइस 2,39,600 इंक्लूडिंग मिल्डअप इंश्योरेंस, कोई चेंज नहीं है, कोई प्राइस हाइक नहीं है। और हाँ, बिना प्राइस हाइक के सारा कुछ आपको मिल रहा है, बस चार ज्यादा कुछ नहीं, बस डिजाइन का फर्क है। और डिजाइन की वजह से बाकी सीसी तो दोनों में सेम ही है, बस जो है उसमें बस थोड़ा सा एग्रेसिव लुक है और ये थोड़ा एक काइंड ऑफ कह सकते हो स्ट्रीट फाइटर लुक जैसा ज्यादा दिखता है। सो बस इस वजह से बस डिजाइन में फर्क है और इसी में थोड़ा रेट इसका ऊपर नीचे है, बस बाकी सेम है दोनों। इसके बाद जो आते हैं हम इसमें U200। ये व्हाइट कलर में है, एक आती है ऑरेंज कलर में, जो राइट नाउ अभी बुकिंग पे है। ड्यूक 200 है, दो कलर में आती है, व्हाइट कलर एंड एक ऑरेंज कलर आता है। दोनों का प्राइस सेम है, लास्ट ईयर वाला और अब वाला, 2,14,200, 2,14,200 इंक्लूडिंग नेटअप इंश्योरेंस। ठीक है, इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये डुअल चैनल एबीएस के साथ आता है, 6 गियर ट्रांसमिशन, लिक्विड कूल्ड इंजन, जो सेम एज इट इज था पहले से। टायर साइज की बात की जाए 110/70 का है फ्रंट टायर, और अलॉयज का 17 इंच का अलॉय है। ठीक है, डुअल चैनल जैसे बताया, लिक्विड कूल्ड इंजन, 6 गियर ट्रांसमिशन, ये सारा सेम रहेगा। अब इसमें कुछ न्यू चेंजेस आ रखे हैं मतलब बाइक में पहले से और अब में? नहीं, सब कुछ सेम है, कुछ अलग चेंजेस नहीं है।
एज इट जो पहले था वही सब वही चलवा दिया। ओके, इसके बाद आती है अभी राइट नाउ हमारे पास जो ड्यूब सेगमेंट में है 125, 200, 250 एंड 390। राइट नाउ जैसे आपको दिखाया 125 दिखा दी है, 200 है, तो अभी हमारे पास राइट नाउ जो दो मॉडल्स हैं वो आपको मैंने दिखा दी, 250 एंड 390 अभी बुकिंग्स पे है। 250 वन वीक की बुकिंग है और 390 15-20 डेज की बुकिंग है। रही बात उन दोनों की प्राइसिंग की, तो उसका भी प्राइस सेम है, 250 ऑन रोड आएगी 261,855 इंक्लूडिंग नेटअप इंश्योरेंस, एंड ड्यूब 390 आएगी 336,000 ऑन रोड, ये भी इंक्लूडिंग नेटअप इंश्योरेंस। तो ये अभी KTM के हर बाइक पे ABS ऑफर कर रहा है, सिर्फ कुछ कुछ बाइकों पे ABS ऑफर है? ABS जो स्विच ऑन ऑफ का ऑप्शन है, सुपर मोटो ऑप्शन है, वो ड्यूब 390 है, ड्यूब 250 है, 390 में है, या फिर RC 200 में आ रहा है राइट नाउ। अभी इसमें 125 में लिखा है और इसमें 200 में भी 200 और 125 में जो है वो ABS नॉर्मल रहेगा। जैसे 125 में जाते हो तो रियर ABS है नहीं आता, उसमें सिंगल चैनल ABS है और इसमें डुअल चैनल फ्रंट एंड बैक है, बट इसमें भी ऑप्शन नहीं है इसका। ओके, अभी इसमें है नहीं ऑप्शन। ओके, ठीक है। तो गाइस ये थी इन बाइक के बारे में, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट बाइक के पास जा रहे हैं वो है हमारा एडवेंचर 390। लद्दाख स्पीति नेपाल करते हैं, काफी जगह ऐसी होती है जहाँ पे 390 बेस्ट लगता है उन्हें, कि चाहे वेट बोलो हाइट पे बोलो, तो ओवरऑल हर चीज में बेस्ट लगती है। तो भाई अब इसमें कुछ पता है, 2022 मॉडल है ये, नए वाले ग्राफिक्स के साथ आई है, स्पेसिफिकेशन इसमें कुछ एडवांस किए गए हैं जो पुराने 21 तक जो आती थी उसके कंपेरिजन में। जैसे कि 390 सेगमेंट है, पावर स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं है। 390 सेगमेंट है, 6 गियर ट्रांसमिशन, लिक्विड कूल्ड इंजन, प्लस इसमें जो आपको दिया गया है, अब इसमें आपका एक मोड आता है, अब उसमें ऑप्शन है आपके पास TFT डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले करेगा राइडिंग मोड, राइड मोड, जिसमें एक सुपर मोटो सॉरी ऑफ रोड मोड है और एक स्पीड मोड है। आप इन दोनों मोड के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करके आप किस मतलब जगह चला रहे हो, ऑफ रोड में चला रहे हो या फिर सिटी में चला रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हो। बहुत एक बढ़िया चीज है कि पहले ये स्पीड मोड का था नहीं, बट अभी ये जरूर आया है। हाँ जी, बाकी ऑफ रोड एरियस हो गया, आपका कॉर्नरिंग एरियस हो गया, क्विक शिफ्ट ऑटो क्लिपर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तो ऑलरेडी जो आप हमारे जो आता था वो एडजस्ट रहेगा, बस ये ऑटोनॉमी है, बस ग्राफिक्स चेंज हो गया। ग्राफिक्स में चेंज हुए इसमें, तो पहले जो ग्राफिक था उसमें क्या डिफरेंसेस में नोटिस कर रहा हूं, थोड़ा सा ब्लू जैसा कुछ एक वो कलर है, ग्रे ग्रेइश टाइप ब्लू, मतलब जो ब्लू टाइप है कुछ इसमें कलर। एक और कलर आता है इसमें, वो अभी बुकिंग पे है, ठीक है, वो कौन सा कलर है? वो ब्लू और ऑरेंज पे, ब्लू और ऑरेंज पे कलर है। और इसमें हाइट क्या है, मतलब ग्राउंड हाइट की 855 जो इसका हाइट है, सीट हाइट है, ठीक है। और नॉर्मली जैसे अगर आप बोलो कि आपके हाइट का, मैं थोड़ा लंबा हूँ तो उस हिसाब से नहीं बोले, आपके हाइट का है इजिली आप आराम से बैठ। मेरी हाइट मैं बता देता हूँ गाइस, मेरी हाइट जो है वो 5.8 है। हाँ, तो मेरा ज्यादा नहीं है, मेरा 6 का है अप्रॉक्स, तो मेरे लिए तो इजिली मैं बैठ रहा हूँ, तो मैंने दोनों फुट आराम से। हाँ, मेरे को जितना लगता है ना, जो 5.5 वाले बंदे होंगे ना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा हो सकता है, बट हम उसके इसमें क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं कि आप बूट स्पेक ही चलाएं, तो उसमें तो उनको एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो हाइट आ जाएगी। और फुल LED हेडलाइट जैसा कि आपका था आपको पता है। रही बात इसकी प्राइस की, इसका प्राइस भी कोई चेंज अभी राइट नाउ हुआ नहीं है, 381,121 इंक्लूडिंग नेट डेप इंश्योरेंस जो पहले का हम ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, और इसके साथ कुछ मतलब एडिशनल कुछ मिलता है, मतलब अलग से जैसे लगा के मिलता है? जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हैंडल गार्ड दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये जब बाइक ले रहा है पर्सन, तो ये उसके साथ मिलेगा? ये ऑलरेडी इसमें कंप्लीट बुक लग के आती है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज। और ये जैसे कुछ एड ऑन है, जैसे कि अभी और भी बाइक्स आते हैं, सैडल स्टे लग के आता है, टॉप राइट लग के आता है, तो वो सारा कुछ आपको आफ्टर मार्केट में दे रही है। भाई से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी बाइक्स हैं तो उनके EMI क्या सिस्टम है, और कितने कम से कम रेट, मतलब मंथली बेस पे कितना रेट पड़ सकता हूँ? तो एग्जैक्टली हम मैं अमाउंट तो नहीं बता सकता, आइडिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, हम फाइनेंस जो कर रहे हैं बजाज फाइनेंस है, इन हाउस फाइनेंस है हमारा, हमारा स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.7, वो अप टू 13-14% तक जाता है, वो डिपेंड करता है आप करते क्या है। अगर आप सैलरीड है
सैलरी आपकी अकाउंट आ रही है तो अच्छी सैलरी आ रही है अगर अपना ये कुछ भी है वो हम डॉक्यूमेंटेशन केवाईसी के अकॉर्डिंग है तो वो अगर हम करते हैं सब कुछ ओके रहा तो हम स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.7 से देंगे ठीक है फॉर वन ईयर और जो मैक्सिमम फाइनेंस हम कर रहे हैं वो 95% तक का फाइनेंस कर रहे हैं ठीक है वो रेंटेड प्रोफाइल हो या फिर ओन हाउसिंग का हो वो ये सब बट अगर एक देखा जाए अगर ओवरऑल एक पर्सन को मंथली कितना पड़ सकता है एक ईएमआई अगर चलो बात करें एडवेंचर की तो कितना पड़ सकता है सब डिपेंड करता है आप डाउन पेमेंट क्या करना चाहते हैं अब फॉर एग्जांपल अगर आप डाउन पेमेंट पर्टिकुलर एडवेंचर फिन है इसके लिए अगर आप डाउन पेमेंट मान लो 60,000 करते हो तो ऑन एन एवरेज पकड़ के चलिए कि 25,000 रुपए आपका मंथली आएगा सर फॉर वन ईयर अब मैं मैक्सिमम टेन्योर जो रहेगा वो 5 years का रहेगा ठीक है अब वो डिपेंड करता है कि आप डाउन पेमेंट क्या है क्या क्राइटेरिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग वो एक्चुअली होगा और अगर हम अगर देखा जाए तो हम अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही लेसर चाहता है कि मंथली बेसिस पर बहुत कम चाहिए मतलब लेसर वाइज तो ईएमआई अगर कम चाहिए हाँ तो वो मैक्सिमम 5 years तक का फाइनेंस कर सकते हैं और कितना मंथ का मतलब रहेगा जैसे लाइक 5,000 हो गया या फाइव टू सेवन थाउजेंड का आपको पड़ सकता है ठीक है अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इतना अमाउंट में दे नहीं सकता आपको हर मंथ ठीक है तो आप 5,000 भी दे सकते हो अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा भाई भैया बता रहे एग्जैक्ट कुछ नहीं है 5 to 7,000 rupees हो सकता है कि आप एडवेंचर उसमें कर सकते हो और बाकी बाइक्स का भी अलग अलग प्राइस होगा तो उनमें भी चेंजेस हो सकते हैं कि कुछ भी ईएमआई में चेंजेस हो सकते हैं और जो रेट्स है इसमें कुछ डिस्काउंट है अभी राइट नाउ अभी तो कोई डिस्काउंट नहीं है करेंटली न्यू मॉडल है अभी ऑलरेडी बुकिंग पे चल रही है और रही बात एडवेंचर की अगर हम देखा जाए तो हम एडवेंचर फिन की जो है वो मिड ऑफ मार्च से डिलीवरी स्टार्ट करेंगे जो न्यू वेरिएंट का है दिल्ली में और वैसे भी ये 22 week है 22 week मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी आपको आपको कोई भी जो हमारा शोरूम है आपको कोई भी आपको मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी और 22 week मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी आज 125 अवेलेबल या 390 ले लो ठीक है और रही बात तो जो आपने डिस्काउंट की बात की डिस्काउंट तो ऐसा कोई नहीं है बट हाँ हेलमेट एंड बाइक कवर ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री बाइक के साथ मिलता है सर एज अ फ्री गिफ्ट हाँ जी ओके तो ये हर बाइक के साथ है हर एक बाइक के साथ ओके ठीक है सो गाइस ये थी बाइक की सारी रिव्यू और प्राइस जो भी पढ़ रहे हैं और ईएमआई जैसे मैंने बताया और अभी फिलहाल कोई ऑफर चल नहीं रहा है एज बाकी वैसे तो दिवाली वो सॉरी होली आने वाला है तो होली के टाइम पे भी कोई ऑफर कुछ अभी नहीं है पता नहीं चलता है कि कब वो कहीं अगर 10 मार्च तक कुछ ऑफर आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए तो वो उसी टाइम पता चलेगा तो गाइस अभी तो होली में वैसे काफी टाइम है ठीक है फिर भी अगर आपको कभी होली की आप सोचते हैं कि लोग काफी सोचते हैं होली या फेस्टिवल में हम परचेस करें ठीक है तो उसमें भी कोई ना कोई डिस्काउंट होगा तो आपको सौरभ भाई जरूर बताएंगे जरूर गाइड करेंगे उसमें और बेस्ट से बेस्ट डील आपको प्रोवाइड करेंगे सो गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू और साइनिंग ऑफ करता हूँ यहाँ से थैंक यू फॉर द रिफ्रॉस्ट राहुल बाय बाय